इसके लिए दोषी पाया जाएगा वो जाएगा, चाहे वो किसी दल का हो, इससे हम लोगों का कोई रिश्ता नहीं। सवाल है कि जब भी कुछ होता है तो होता है, जो पता चलता है आप लोगों को मालूम है, लेकिन बीजेपी वाला किस चीज पर बोल रहा है उससे हमारा कोई मतलब नहीं। पुलिस देखेगा तो जो कुछ भी होगा उस पर एक्शन होता है, कहीं किसी को रोका थोड़ी जाता है, सब कुछ आप जानते हैं। आज तक हमने कभी डिक्लेयर किया है क्या इसको? लेकिन अब भाजपा क्या बोलेगी? और भाजपा सर लगातार सरकार पे आरोप लगा रही थी कि दंगे हो रहे हैं, उसमें कार नहीं करे, अब बुनी के विधायक फंस रहे हैं, सामने बातें आ रही, गिरफ्तारियां भी हो रही है सर। बीजेपी के बोल रहे थे लोग कि सरकार है, दंगा नहीं रोक पा रही है। आपका सबका तक खाली छपवे करता सर, इसलिए हम सब पर नहीं ध्यान देते हूँ। आपने जो आशंका आप अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पर कहीं कोई घटना होती है तो उन सब चीजों को देखा जाता है। जो हुआ आपको पता है कि सब जगहों पर कितना ज्यादा कार्रवाई एक एक चीज पर होता है, और इसके अलावा कहीं पर कोई और घटना होगी तो उस पर हमारे यहाँ पुलिस जो है और एडमिनिस्ट्रेशन पूरे तौर पर सतर्क रहता है, और उसी को कहा गया है कि एक एक चीज को देखिए, और उसमें अगर कोई भी इसके लिए दोषी पाया जाएगा वो जाएगा, चाहे वो किसी दल का हो, इससे हम लोगों का कोई रिश्ता नहीं। सवाल है कि जब भी कुछ होता है तो होता है, जो पता चलता है आप लोगों को मालूम है, लेकिन बीजेपी वाला किस चीज पर बोल रहा है उससे हमारा कोई मतलब नहीं। सर एक सवाल है, कुछ वैसा नहीं हुआ सर, थोड़ा आपने जो शंका जाहिर की थी आपको पीछे रिजल्ट तो वैसा ही निकलना जो आपने शंका जाहिर की थी। सासाराम दंगा वाले में सर वही सर आपने बोला था खुलासा होगा सर। एक सवाल और है सर, लालू यादव जी आ गए हैं सर, विपक्ष की मुलाकात भी आपने की है सर, तबीयत खराब दिखाने गए सर, वहाँ गए, वहाँ भी देखे, अब यहाँ पर आ गए, कल उनसे मिले सर, विपक्षी एकता को लेकर कितनी सर मजबूती और मिले। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि हम लोगों से इधर सर हमारी बातचीत हुई है, अभी कुछ और लोगों से बातचीत होनी है, उसके बाद तय हो जाएगा कि कहां पर क्या होगा। बहुत लोगों की राय है कि पटना में होना चाहिए, वो सब करके लोगों की राय से ये सब तय होगा, लेकिन अभी उस जगह पर और बात करें। ममता बनर्जी भी ने कहा था कि बिहार आंदोलन की वो तो बोली है हम सर, तो उसमें क्या दिक्कत है, लोग सब लोगों की राय होगी तो जल्द सर ये माना जाए सर ये बैठक। अभी आप ये सब मत करिए, अभी चुनाव है सर, सर एक जगह चुनाव हो रहा है, उस पर हो जाएगा सर, सर अभी तो सब लोग अलग अलग पार्टी जो लड़ रहे हैं तो उसके बाद ही आप समझिए ये होगा। अभी बहुत लोगों से बातचीत हुई है, कुछ लोगों से और बातचीत, लेकिन ये तय माना जाए कि बिहार से ही शुरुआत होगा, बिहार से इसकी शुरुआत होगी, पार्टी के लोग। अरे गौतम माता इधर करो यार, हाथ क्यों फंसा हुआ मेरा माइक का? पहले जेपी आंदोलन भी होगा सर, ये सब लोगों की राय सर, आगे अभी कुछ और बात चलिए चलिए ठीक है सर, ठीक सर सर ठीक है सर सर, सामने से हटिए हटिए सामने से हटिए चलिए ठीक है सर। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।